नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बड़ा चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। टिक की बातें वो शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। पॉलिटेक में जा रही मी नोटबुक 14 की तरफ से एक लैपटॉप, बेहतरीन लैपटॉप है जो कुछ 35,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। इसका नाम रखा है मी नोटबुक 40 ई लर्निंग एडिशन, जो मतलब इसमें आपको 14 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ में i3 और 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और बहुत बेहतरीन प्रोसेसर के साथ ये लैपटॉप लॉन्च हो चुका है। दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है मोटोरोला के, दोस्तों मोटोरोला G9 पावर एडिशन वाला फोन देखने को मिल सकता है। उसमें 6,000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, बहुत सारे अलग प्रोसेसर के साथ जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी आ रही है फ्लिपकार्ट तरफ से, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल फिर से आज से स्टार्ट हो गया, मतलब 8 तारीख से, फिर 8 से 13 तक फिर से फ्लिपकार्ट का एक सेल और स्टार्ट हो चुका है। और अमेजोन का भी सेल मतलब 13 नवंबर को उसका एंड हो सकता है, और उसका भी जो आखिरी दिन है अमेजोन सेल का वो भी 13 नवंबर रखा गया है। और जो चौथे टूट मिले वीवो की तरफ से, वीवो का जो ओरिजिन ओएस लॉन्च होने का जो इवेंट है उस 19 नवंबर को रखा गया, और 19 नवंबर को वीवो का ओरिजिन ओएस लॉन्च हो सकता है। और जो पांचवी टूट में जा रही शॉमी की तरफ से, शॉमी ने भी एक स्मार्ट अपग्रेड प्लान लॉन्च कर दिया, जिसे आप मतलब जैसे अभी फ्लिपकार्ट मतलब इसने सैमसंग में अपग्रेड प्लान लॉन्च किया, जिसमें आपको 17% की छूट देखने को मिल सकती थी, ऐसा कुछ है। सैमसंग ने अभी मतलब शॉमी ने भी उसको लॉन्च कर दिया, उसमें आपको उसका कार्ड बाय करने के लिए 400 रुपये का कार्ड बाय करना पड़ेगा, और वो 17% तक आपको उसमें ऐसा बाय बैक मतलब मिल सकता है। और जो छठे टुक मेरे लेनोवो की तरफ से, लेनोवो K12 मतलब लेनोवो के फ़ोन अभी कुछ बंद ही हो चुके थे, अभी कुछ उसके रूमर आ रहे कि लेनोवो के फ़ोन देखने को मिल सकता है। लेनोवो K12 नोट एक फ़ोन लॉन्च होगा, जिसमें आपको Snapdragon 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। ये पूरा रीब्रांड है Moto G9 का, मोटा Moto G9 जो देख लो और इसको देख लो, पूरा एक समान दिखता है, मतलब पूरा इसका रीब्रांड है। ये पल हो सकता है चाइना में लॉन्च हो, इंडिया में ना लॉन्च हो। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना।